Hello everyone, I am Dr. N.P. Singh, working as Senior Consultant Internal Medicine, Healing Hospital, Chandigarh. Today we will talk about bronchial asthma, which we call it in Hindi. As we are talking about the winter season, winter season is going on, so this is a very common disease, especially when the onset of winters. When change of season, when winters come, the disease increases. तो दमा क्या चीज़ है, इसमें बेसिकली क्या होता है, देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयरवेज, ये सारा एयरवेज की सडन इन्फ्लेमेशन हो जाती है, नैरोइंग ऑफ द एयर पैसेज हो जाती है, और सडन जब पैसेज नैरो हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, तो सांस लेने में दिक्कत आती है, एंड उसमें एक साउंड आता है, उसको वीजिंग साउंड कहते हैं, वीजिंग. तो ये सारी बीमारी को हम अस्थमा कहते हैं और दमा कहते हैं. और होता क्यों है, इसके दो कारण होते हैं, एक होता है एनवायरमेंटल और दूसरा जेनेटिक. एनवायरमेंटल मींस कई बार जैसे सडन एक्सपोजर टू डस्ट, एलर्जिक एलर्जन रिएक्ट होते हैं, या कोई ड्रग इंड्यूस हो जाता है, सडन एक्सपोजर टू कोल्ड, और कोई बॉडी में इन्फेक्शन हो जाती है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, तो उससे भी सारा अस्थमा एग्रावेट हो जाता है और सारे सिम्टम आ जाते हैं. कई बार होता है जेनेटिक, कि सम पीपल आर मोर प्रोन टू दिस इलनेस. होता कब है, यूजली यंग एज में, 12 साल से पहले भी हो जाता है, उसके आसपास यंग एज में बच्चों में स्टार्ट हो जाता, और यूजली विद एज इसकी सीवियरिटी कम हो जाती है, लेकिन कई लोगों में एडल्ट तक परसिस्ट करता. तो एक तरह की क्रोनिक डिसीज, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में बढ़ जाती है बीमारी, और उससे सिम्टम्स आते ही रहते हैं, और इसकी कई ग्रेडिंग होते हैं, माइल्ड अस्थमा है, मॉडरेट है, सीवियर है, और डिपेंडिंग भी सिम्टम्स क्या क्या हैं. और सिम्टम्स मैं दोबारा से थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा भी सिम्टम्स होते क्या हैं, क्या बीमारी के लक्षण क्या हैं. एक तो सडन ऑनसेट ऑफ ब्रेथलेसनेस, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है, और नंबर दो खांसी, सडन ऑनसेट ऑफ कफ हो जाता है, और साथ में ब्रेथलेसनेस है, और एक वीजिंग साउंड होता है, वीजिंग या विस्लिंग साउंड कहते हैं इसको, जैसे कोई पास बैठा तो उसको आवाज़ सुनाई देनी शुरू कर जाती है, जैसे कोई सीटी की आवाज़ होती है तो वैसे विस्लिंग साउंड होती है. कई बार बहुत जब सीवियर अस्थमा हो जाता है तो पेशेंट में सडनली सैचुरेशन जो होती है, ऑक्सीजन के लेवल होते हैं बॉडी में, वो ड्रॉप कर जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाते हैं, उसमें थोड़ा बेहोशी भी हो सकती है पेशेंट. जैसे एक्यूट सीवियर अस्थमा, तो बहुत सीवियर अटैक होता है, तो उसमें पेशेंट को कई बार हमें एडमिट भी करना होता है. कोई भी अस्थमा का पेशेंट हो तो उसको चाहिए भी, उसको पता होना चाहिए भी कौन सी ड्रग्स नहीं लेनी है, जैसे बीटा ब्लॉकर्स ग्रुप होते हैं, प्रोपेनॉल है, या एस्प्रिन जैसे के पेन किलर्स होते हैं, ऐसे कोई भी ड्रग्स से थोड़ा प्रिवेंशन उसका अवॉइड करें, उनको अवॉइड करनी चाहिए, स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए, सडन एक्सपोजर टू कोल्ड अवॉइड करना चाहिए, और थोड़ा इन्फेक्शन वगैरह हो तो उसका एडिक्वेट ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, और जब चेंज ऑफ सीजन हो या एलर्जेंस हो तो वहाँ जहाँ भी ऐसा डस्ट वगैरह हो, सारा उस चीज़ को, एनवायरनमेंट को जितना हो सके उसको हम रिस्क फैक्टर को अवॉइड कर सकते हैं, उसका एक्सपोजर को अवॉइड कर सकते हैं. और ये तो है भी प्रिवेंशन कैसे हो सकती है, और इसका टेस्ट क्या होता है, डायग्नोस कैसे होता है, भी हमें बीमारी का पता कैसे चलता है भी बीमारी अस्थमा है. एक तो हिस्ट्री ही है, हिस्ट्री से काफ़ी कुछ पता चल जाता है. नंबर दो हम चेस्ट एक्सरे करा लेते हैं, चेस्ट एक्सरे में ज़्यादातर नॉर्मल ही होता है. थर्ड हम ब्लड टेस्ट होते हैं, कई CBC, TLC काउंट, ईओसिनोफिल काउंट बढ़ जाता है इसमें, और एक टोटल IgE लेवल सा ये ब्लड टेस्ट होता है, ये बढ़ जाते हैं. और एक कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है स्पायरोमेट्री. स्पायरोमेट्री एक तरह का टेस्ट है जिसमें हम एक तरह की मशीन होती है, स्पायरोमेट्री कहते हैं, उसमें हम जोर से ऐसे हवा भरनी होती है, और उसके पहले हम फिर हवा खींच के भरनी होती है जोर से, तो उसकी वैल्यूज आ जाती हैं, सारा हम मेजर मशीन से मेजर कर लेते हैं. तो ये सारे स्पायरोमीटर से एक ब्रोंकियल अस्थमा का डायग्नोस हो जाता है. तो एक डायग्नोस हो गया, सिम्टम्स बता दिए, और लास्ट ट्रीटमेंट, अगर पेशेंट आता है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है. ट्रीटमेंट बेसिकली इसमें हम कहते हैं भी ज़्यादातर इन्हेलर्स देते हैं पेशेंट को, हम सिखाते हैं, छोटी सी डिवाइस होती है इन्हेलर्स, उसको मुंह में रखो और उसको दबाना होता, ऐसे खींचना होता, हम थोड़ा टीच करते हैं पेशेंट को भी कैसे लेना है. उसकी फ्रिक्वेंसी होती है भी 2 बार 3 बार लेने के बाद एयरवेज होते हैं, खुल जाते हैं, इसको ब्रोंको डायलेटर में खुल जाते हैं. ये तो इन्हेलर है, साथ में गोलियाँ भी होती हैं, और ये भी हम दे देते हैं, और कई बार साथ में शॉर्ट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, थोड़ा सा एंटीबायोटिक दे देते हैं, बिकॉज जो भी इन्फ्लेमेशन है, सारी इन्फेक्शन से इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है,
तो तीनों का कम्बिनेशन बना के पेशेंट को दे देते हैं। ये तो माइल्ड से मॉडरेट अस्थमा होता है। जब सीवियर अस्थमा होता है, जब पेशेंट बहुत सीरियस होता है, उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, देन उसको हम एक्यूट सीवियर अस्थमा कहते हैं। और उसको ऐसे पेशेंट को हम एडमिट कर लेते हैं हॉस्पिटल में, ऑक्सीजन देते हैं और साथ में सारा ट्रीटमेंट होता है, इंजेक्शन देते हैं, स्टीरॉइड्स कहते हैं, स्टीरॉइड्स इंजेक्टेबल फॉर्म में भी दे सकते हैं, ओरल भी दे सकते हैं, और साथ में एंटीबायोटिक इंजेक्शन और साथ में सारा नेबुलाइजेशन होता है। जो नेबुलाइजेशन होता है वो एक तरह की मशीन होती है, मास्क की तरह मुंह में रख लेते हैं नाक के ऊपर, और वो जो मेडिसिन होती है वो उसके थ्रू देते हैं। तो इससे सडन उस पेशेंट को एकदम थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, ब्रोंकर डाइलेशन कम हो जाती है। तो इसको जो सडन अस्थमा का अटैक है उसको रोकना है, ठीक है। उसको रोकने के बाद फिर हम सारा थोड़ा सा कोर्स होता है, थोड़े दिनों तक पेशेंट को धीरे धीरे रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। आपको अस्थमा के बारे में कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो हम इमीडिएटली विल ट्राई टू रिप्लाई, उस पर हम जवाब देंगे। थैंक यू फॉर पेशेंट हियरिंग।